हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों ये देखिए, ये है डाइकिन का 1.5 टन का एसी जो कि है नॉन इन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये है नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन का एसी है, 3 स्टार रेटिंग में ये है। ये देखिए दोस्तों, इस लुक में ये एसी आने वाला है। इसकी किस पार्ट की 5 साल की गारंटी मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है वो सारे के सारे आपको आज की वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो वारंटी है वो है 1 ईयर एसी, 5 ईयर कंप्रेसर। जी हाँ दोस्तों, इन्वर्टर एसी की वारंटी होती है 10 साल कंप्रेसर, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी की जो वारंटी होती है वो होती है 5 ईयर कंप्रेसर और ओनली फॉर 1 ईयर फुल एसी। तो पूरे एसी की जो वारंटी है उसके अंदर गैस आ जाती है, कूलिंग कोयल आ जाती है, सारे पार्ट आ जाते हैं उसकी 1 ईयर की है। लेकिन एक पार्ट इसमें ऐसा है जिसकी 5 साल की, कंप्रेसर के अलावा भी एक पार्ट ऐसा है जिसकी 5 साल की आपको गारंटी मिलेगी। वो क्या है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, आराम से समझाने वाला हूँ, जिससे क्या आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इस लुक में आएगा वाइट कलर में। उसके अलावा ड्यूल फ्लैप है इसमें, जो कि इन्वर्टर एसी में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, आते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है ट्रिपल डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर एसी है इसलिए इसमें ट्रिपल डिस्प्ले नहीं मिलेगी। आपको ऑन ऑफ का बटन मिलेगा। अगर आपको ट्रिपल डिस्प्ले चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वर्टर एसी ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करें इसकी वारंटी की, तो वारंटी है दोस्तों इसकी आउटडोर में जो इसका कंडेंसर है, कंडेंसर कोयल जो है वो है अलॉय में, जो अलॉय है उसकी, जो अलॉय इसकी है ये कंडेंसर है उसकी 5 साल की गारंटी कंपनी दे रही है। इसका जो आउटडोर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी हैवी लुक में आपको आउटडोर मिलने वाला है। तो दोस्तों इसका जो मॉडल नंबर है वो है FTL50UV16V7। जी हाँ दोस्तों, FTL50UV16V7 इसका मॉडल नंबर है। 3.95 इसके आईशो वैल्यू है। कूलिंग कैपेसिटी है इसकी दोस्तों 5150 वॉट। जी हाँ दोस्तों, 5150 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 1010 यूनिट कंज्यूम करे एक साल के अंदर, जो कि कंपनी ने मेंशन कर रखा है। और इसकी जो वारंटी है वो पूरे एसी की जो होती है वो होती है 1 ईयर, कंप्रेसर की 5 साल, और इसकी जो एलॉय की कंडेंसर कोयल है उसकी भी 5 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस लुक में आपको एसी मिलेगा। इसका जो प्राइस है करीब करीब 35,000, 34 से 35,000 के आसपास का इसका आपको प्राइस मिलने वाला है। कॉपर पाइप इसके साथ में आता है, 3 मीटर पाइप, कॉपर पाइप आपको इसके साथ मिलेगा, जो कि इंडोर टू आउटडोर लगेगा। तो सारी क्वालिटी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ कंडेंसर कॉइल जो है वो है अलॉय में। तो ये एक एसी है जो कि आप लगवा सकते हैं कहाँ पर, अगर आपके घर के पास नाला है तो नाले के आसपास आपने देखा होगा एक साल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कूलिंग कॉइल, कंडेंसर कॉइल लीक हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप नाले के आसपास लगवा सकते हैं। कॉपर के जो कंडेंसर होते हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, हर एक पाइप पे जॉइंट होते हैं, 2, 8, 5, 4, 5 जॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ये सिंगल जॉइंट होता है, इसमें जॉइंट्स नहीं होते हैं, सिंगल जॉइंट, सिंगल पाइप लगा होता है। ये आपने देखा होगा आपके पास अगर कार है तो कार में भी जितने भी ये कंडेंसर होते हैं सारे एल्युमिनियम के ही होते हैं, क्योंकि उसमें वेल्डिंग नहीं होती है कार के पाइपों के अंदर। उसी तरह से इस में भी पाइपों में कंडेंसर कॉइल में आपकी वेल्डिंग नहीं है, क्योंकि सिंगल पाइप ही लगा हुआ है। इसलिए नाले के पास अगर आपका घर है तो वहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी लीकेज की, जिसकी वजह से आसानी से आप एसी का यूज़ कर सकते हैं। रेयर चांस है प्रॉब्लम आए, वैसे इसकी प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जॉइंट्स ही नहीं है, जॉइंट ही नहीं होंगे तो लीकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नाले के आसपास आपका ये एसी कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।